31 जनवरी 2023 को जेम्स गन ने यूट्यूब पे आके डीसी के फ्यूचर में आने वाली कुछ मूवीज के चैप्टर 1 द गॉड्स एंड द मॉन्स्टर के नाम से बताया था, जिसमें काफ़ी सारी मूवीज़ को अनाउंस भी किया गया था, जिसमें से अगर देखा जाए तो द अथॉरिटी, द ब्रेव एंड द बोल्ड, सुपरगर्ल, स्वैम्प थिंग्स, उन्हीं में से एक और सबसे पहली मूवी सुपरमैन लेगेसी थी, जो कि ऑफिशियली डीसीयू को किक स्टार्ट करेगी। जिस पे हम बात करें तो आज तक हमें इस मूवी के बारे में क्या पता है, तो सबसे पहले तो ये कि ये मूवी 11 जुलाई 2025 को ऑफिशियली रिलीज कर दी जाएगी ओवर ऑल द वर्ल्ड। इस मूवी को जेम्स गन खुद ही डायरेक्ट करेंगे और इस मूवी की स्टोरी लाइन भी जेम्स गन ने ही लिखी है। इस मूवी की कास्ट की बात की जाए तो इसकी कास्ट में डेविड कॉर्न्सवर्थ एज सुपरमैन, रेचल ब्रॉसन एज लोइस लेन, निकोलस हॉल्ट एज लेक्स लूथर। निकोलस हॉल्ट का अगर आपको पता नहीं है तो वो एक्समैन में बीस्ट का रोल प्ले कर चुके हैं। नेथन फिलन एज गाय ग्राइंडर वाला ग्रीन लैंटर्न जो होता है। एंथनी कैरगन एज मेटाफर। एडी गैदरी एज मिस्टर टेरिफिक। मारिया गैब्रियल एज द इंजीनियर। और स्काइलर गैरिसन एज जिमी ऑल्सन का रोल प्ले करेंगे सुपरमैन लेगेसी में। मूवी अगर जेम्स गन खुद लिख रहे हैं और इसे डायरेक्ट भी कर रहे हैं और डीसी अगर खुद जानबूझ के इनके काम में टांग ना आए तो मूवी अच्छी बन सकती है और मूवी डीसीयू को ऑफिशियली अच्छी किक स्टार्ट कर सकती है। बाकी आप हमें कमेंट सेक्शन में अपने आइडियाज़ बता सकते हैं न्यू वीडियोज़ के लिए।